भाई साहब डिपार्चर वाले एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करके मत जाया करो, मिलते हैं एक महीने बाद। फ्लाइट 2 घंटे लेट थी जिसकी वजह से चीजें उथल पुथल हो गई हुई है। हेलो एजी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है, होप यू डूइंग बेमिसाल। फाइनली जाके वो दिन आ चुका हुआ है जब मैं जाने लगा हूँ अमेरिका, और स्पेशली मुझे छोड़ने आए ये एयरपोर्ट के लिए। अरे तो गौतम यहाँ पे पैकिंग कर रहा है मेरे लिए, वहाँ पे मेरी बीवी पैकिंग कर रही है। सब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये दोनों बहुत ज्यादा खुश है कि मैं जा रहा हूँ। भाई मेरे बस्ते पैक कर रहे हैं कि जा यहाँ से, दोनों हाथ हिला रहे हैं, मतलब लौट के बताना भैया। ये खुशी मुझे आज तक नहीं हुई भाई साहब। तुम अमेरिका जाते रहा करो साल में 2-3 बार। पहले कुछ खाते हैं, और अगर आप अमेरिका के व्लॉग्स देखने के लिए एक्साइटेड है तो कमेंट पहले ही कर दो, वीडियो को लाइक पहले ही कर दो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले ही सब्सक्राइब कर दे। नाउ लेट्स गो। फाइनली आगे आ गया अपना खाना, एक अपना बटर चिकन मुक्ति, और मैं इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये अच्छा? मेरा पर्सनल है। अच्छा इसलिए हाथ नहीं लगाना, मुझे लगा गर्म है इसलिए बोल रहे। तो ये खाना खाने हम आ चुके हैं दरियागंज पे, जहाँ की चीजें बहुत ज्यादा फेमस है, और आदित्य को दाल मखनी बहुत पसंद है। ये ना एक घंटा जाम में फंसवा के मुझे यहाँ लेके आए हैं दाल मखनी की। बर्थ होने वाली है क्योंकि दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ दाल मखनी। दाल मखनी की दाता भ्राता जगन्नाथरी। भाई साहब आज हम खाने जा रहे हैं 500 रुपए की दाल मखनी। ये लोग ना दाल में मक्खन नहीं डालते, ये मक्खन में थोड़ी सी दाल डालते हैं। और जी जब इस जगह पे आई है तो हमने थोड़ा सा बटर चिकन भी मंगा लिया हुआ है, जिसके अंदर वो चिकन नहीं डालते हैं, बटर डालते हैं, तो थोड़ा सा चिकन डालते हैं। भाई साहब खाना खा के जो है ना लिटरली आ चुका है मजा, और मजा ये मजे मैं अमेरिका में मिस करूंगा, क्योंकि इंडियन खाने वहाँ मिलेंगे नहीं, स्ट्रीट फूड मिलेंगे नहीं, गोलगप्पे भी मिलेंगे वहाँ पे। लगा तुम बोलने वाले हो, और ये मजे मैं पूरे भारत को देना चाहता हूँ। तो जी अभी हम निकलते हैं टुवर्ड्स एयरपोर्ट, ये मुझे करेंगे ड्रॉप, और फिर मैं एयरपोर्ट पे करूंगा वेटिंग वेटिंग वेटिंग। भाई साहब डिपार्चर वाले एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करके मत जाया करो, डिपार्चर में गाड़ी डिपार्ट होगी उनकी। ओके बाय बाय, मिलते हैं 1 महीने बाद। ये नहीं सोचा था मैंने, सच्ची रो रही है, शादी में नहीं रही थी, रो रही है शादी में तुम्हारे पास आ रही थी ना भाई, मुझे लगा खुश होएगी। चलो 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 क्या दी, ओके बाय बाय टाड़ा। लेके गया है कुछ? कुछ नहीं, ऐसे ही आ जाना बस। चलो व्लॉग बनाते रहने, हमें अपडेट चाहिए सारी। देखो अगर आप चाहते हो कि रेगुलर व्लॉगिंग में करूं तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर इस वीडियो में कितने लाइक, तुम बताओ तुम्हें जितना बना 40-50 हज़ार कर देना। ओके टाटा बाय बाय, आराम से जाना, धीरे धीरे जाना। वो जी चेक इन वगैरह जो है वो अपना हो चुका हुआ है, अभी बैठे हुए हैं लॉन्च में, और काफ़ी घंटे यहाँ पे ही बिताने हैं। दरअसल मुक्ति और आदित्य को मैंने भेज दिया क्योंकि उनका जो ट्रैवल है दिन दिन में हो जाएगा। अभी बजे हैं 3 और फ्लाइट है ऑलमोस्ट 9 बजे, तो 6 घंटे एयरपोर्ट पे सिर्फ धक्के खाने हैं। आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एयरपोर्ट पे आके लॉन्च के अंदर मैं कुछ खाऊंगा नहीं, क्योंकि पेट भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा भर के जो है लंच किया था, ओनली कोक। तो जी टाइम जो है वो हमने कैसे तैसे करके गुजार लिया हुआ है, अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ, और गेट जो है ना रब की तो नीम है भाई, सब चली जा रहा हूँ चली जा रहा हूँ। 10 मिनट हो गए हुए, गेट आने का नाम नहीं ले रहा, ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट से बाहर ही निकल जाऊंगा। अभी भी हमारा जो सफर है ना बहुत ज्यादा लंबा है, हिंदी का सफर नहीं अंग्रेजी का सफर, SUFFER। अभी सीधी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है मेरी अमेरिका की, यहाँ से मैं जा रहा हूँ बैंगलोर, और बैंगलोर में जो मेरा स्टे है वो है 7 घंटे का, उसके बाद लंदन वहाँ पे 3 घंटे का, और उसके बाद फाइनली शिकागो। सस्ती टिकट मिल रही थी इसलिए इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है मुझे। तो ये एयरपोर्ट पे ना मैंने एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी चीज़ कर ली हुई है, वो ये कि फ्री का वाईफाई मिला हुआ था, वेब सीरीज़ और मूवियाँ डाउनलोड कर ली हुई हैं, अब आराम से बैठ के मौज मारते हैं और अपना टाइम करते हैं पास। भाई साहब जो वेब सीरीज डाउनलोड करी है उसकी यहाँ पे इतनी बड़ी एड आ रही है, गजब। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा नेटफ्लिक्स वालों को, इतने ज्यादा पैसे खर्चते हो प्रमोशन पे, एयरपोर्ट पे इतनी ज्यादा बड़ी एड लगवाई है, हमसे भी प्रमोशन करवा लिया करो। अबे कौन है बे तू, प्रधानमंत्री? पहुंच
चुके हैं हम बैंगलोर के एयरपोर्ट पे और इतना ज्यादा शानदार ब्रांड न्यू एयरपोर्ट लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे नया नया घर नहीं होता कि बना दिया हुआ है, अंदर अभी भरना बाकी है, खाली खाली सी फीलिंग आ रही है। भाई साहब एयरपोर्ट तो बहुत ही गजब का बना है, ऐसा लग रहा है अंदर ही ऑक्सीजन की प्रोडक्शन लगाई हुई है। भाई साहब ये चीज मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, पहले ही से था यहाँ पे ट्रॉलियां लगाई हुई है। ओए होए नाइस भाई साहब, ये जिस किसी का भी आइडिया है ना, ये है बिल्कुल एंड गल बात। मतलब बंदा पहले ही ट्रैवल करके थका हुआ होता है, फिर वो ट्रॉली एक खुंजे से ढूंढ के ले गया, बैग रखे फिर निकले, यहाँ पे सीधा आना है, बैग उठाना, ट्रॉली पे रखना है, गेट आउट हो जाओ। भाई साहब इस एयरपोर्ट पे तो अपने साथ हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा बड़े वाली कलोल, बैग की मैं वेट कर रहा था यहाँ पे कि बैग आएगा बैग आएगा बैग आएगा, परंतु अभी पता किया है, वो कह रहे हैं आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे ही बैग मिलेगा। ये चीज़ इनको पहले बता देनी चाहिए थी, मेरा टाइम बच जाता, और अब टर्मिनल चेंज करना है, आई थिंक बस के थ्रू होएगा। तो जी T1 के लिए चलती है बस जो कि यहाँ पे कहीं पे होएगी, तो जी ये बस लेके जाएगी अपने को इंटरनेशनल टर्मिनल पे। भाई साहब मेरे को तो लग रहा था नया वाला एयरपोर्ट जो है वो बहुत सुंदर है, पर ये पुराने वाला एयरपोर्ट इंडिया के जो है ना, सच में एंड गल बात है। भारत माता की। मैंने सोचा था इस एयरपोर्ट पे भी आके आराम से लॉन्च में बैठेंगे, रोटियां पाड़ेंगे, परंतु मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया हुआ है। इंटरनेशनल फ्लाइट के अलग ही चोचले होते हैं, 3 घंटे पहले ही अंदर जाने दिया जाएगा, तो बाहर बैठो और कुछ ना करो। अब हम करेंगे बैंगलोर के एयरपोर्ट पे जस्ट वॉकिंग फॉर 3 आवर्स। तो ये काफी घंटों के इंतजार के बाद अपना सिक्योरिटी चेक जो है वो हो चुका हुआ है, आ चुके हैं लॉन्च में, और भूख इतनी ज्यादा लग रही थी ना, आज मैं आपको अपनी प्लेट दिखाता हूँ खाने में क्या लिया है, हैरान हो जाओगे आप। गौर से देखिए इस प्लेट को, इसमें आपको दिखेंगे पाइनएप्पल, सब्जियाँ, सलाद। दरअसल मैं चल रहा हूँ अपने बीवी के नक्शे कदम पे, उसने मुझे बोला ट्रैवलिंग के टाइम पे ना फाइबर कंटेंट अपनी बॉडी में ज्यादा रखना, सब्जियाँ फ्रूट ये सब खाना, उसमें होता है फाइबर जिससे आपका पेट साफ रहता है। तो मेरी पर्सनल ट्रेनर जो मुझे बोलेगी मैं वैसे ही करूंगा। तो अभी खाना खाते हैं, वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, टाइम पास करते हैं, नींद जो है जहाज के अंदर ही लेंगे। अभी ना मैं लॉन्च से बाहर निकला हूँ थोड़ी सैर करने के लिए, क्योंकि अंदर नींद आ रही थी, और बाहर आके मैं देख रहा हूँ सारी दुनिया जो है वो सोई पड़ी है। भाई साहब अभी ना मेरे को 24 घंटे से भी ऊपर हो चुके हुए, जागते हुए मैंने एक भी झपकी नहीं ली है। चंदा मामा जो है वो चले गए हैं, सूरज चाचू आ चुके हुए हैं, उजाला हो गया हुआ है यहाँ पे, और मैं ना गेट के पास ही आ गया हूँ जहाँ से अपनी बोर्डिंग होनी है। यहाँ पे मैंने जो रिसेप्शन वगैरह जो भी होते हैं काउंटर पर बैठे हुए हैं उनको बोल दिया हुआ है, अगर बाई चांस मेरी आँख लग गई तो मुझे धक्के मार के उठा देना और जहाज पे चढ़ा देना। तो ये अपनी बोर्डिंग जो है वो हो चुकी है यहाँ पे शुरू। अभी हम पहुंचे हैं लंदन, और सिचुएशन जो है ना वो बन चुकी है थोड़ी सी पैनिक वाली, क्योंकि हमारी जो अगली फ्लाइट है उसका टाइम हो चुका हुआ है। ये फ्लाइट 2 घंटे लेट थी जिसकी वजह से चीजें उथल पुथल हो गई हुई है, और यहाँ पे लाइन में बहुत ज्यादा रश है, अगली फ्लाइट के गेट पे जाना है, मुझे नहीं लगता हो पाएगा। भाई क्या लगता है फ्लाइट कैच होगी या नहीं? जरूर होगी, जरूर। अपनी जो फ्लाइट है ना सेम ही टर्मिनल पे है, पर इतना दूर है गेट, लिफ्टे चेंज कर रहे हैं, अब यहाँ पे ट्रेन की वेट कर रहे हैं। भाई इतने बड़े एयरपोर्ट पे कनेक्टिंग फ्लाइट हो ना, 1 घंटा भी कम पड़ जाता है, हमारे पास उतना भी नहीं है। ट्रेन भी जो आई है पूरी भरी हुई आई है। अभी तो ना मेरे को एक ही लाइन याद आ रही है, वो ये, जब किस्मत हो चुड्डू क्या कर लेगा बॉर्नविटे वाला दुद्दू। आज भाई साहब ये होने वाला है अपना जहाज डबल डेकर बस देख रही है, जहाज देख रही है। भाई साहब जहाज तो हमने भाग दौड़ के पकड़ लिया हुआ, और अपनी सीट बहुत बढ़िया है, लेग रूम चेक करो। आखिरकार अपनी जो सफरिंग है वो होती है ख़त्म, पहुंच गए फाइनल डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पे भाई साहब इमिग्रेशन के लिए लाइन बहुत ही ज़्यादा है, सिस्टम स्लो है शायद इधर का। तो जी बैग अपने फाइनली आ चुके हुए हैं, यहाँ पे JDG भी आ गया हमें पिक करने। कितने टाइम वेट किया? मैं आ गया सी पूरे 6:45। 1 घंटा वेट किया जनाब ने यहाँ पे। ये वाला एयरपोर्ट जो है ना बहुत ही ज्यादा फंसा पड़ा है, इसकी रेनोवेशन ही चली जा रही है एयरपोर्ट की। ओ भाई साहब अभी ना 8 बज रहे हैं और यहाँ पे अंधेरा ही नहीं हुआ है। यो है जी शिकागो का एयरपोर्ट। मैंने ना यहाँ पे आगे एयरपोर्ट पे वॉशरूम यूज किया, और मुझे सच्ची में ऐसे लग रहा था भाई ये एयरपोर्ट का वॉशरूम तो नहीं हो सकता, बहुत ही गंदी हालत थी। मेरे को लगा JD यहाँ पे ATM पे जा रहा है, पर पार्किंग वाला सिस्टम इस तरह एक चीज सस्ती है, पार्किंग सिर्फ $3 की। चलो आ जाओ। अभी ना इंडिया वाली आदत पड़ी हुई है, मैं जाने लगा था ड्राइविंग सीट पे। आ जा। नाइस। वाला ड्राइव? नहीं अभी नहीं।
तो ये जेडी हमको लेके आ चुका है शिकागो के डाउनटाउन में कुछ खिलाने पिलाने। यहाँ पे मेडिटेरेनियन इधर शुरू होगा। इनका इनका रोल बहुत स्वाद है, शोरमा रोल अच्छा है। कहीं बैठते हैं कुछ खाते हैं और आज का जो व्लॉग है यहीं पे करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों शेयर कर देना। लाइक टारगेट आपको पता ही है अगर आप चाहते हो कि और व्लॉग्स आए शिकागो के। एंड मिलते हैं।